क्लास भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटी दार लाइव क्लास लेंगे। और आज के इस लाइव क्लास के अंदर जो हम आपको करवाएंगे एकदम शानदार सा 2012 से लेकर के 2020 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप हमारे चैनल में जाकर के पार्ट वन देख सकते हैं। हमारा पार्ट टू होगा, डे बाय डे करके हम आपको पार्ट फाइव करा देंगे, जिससे आपका 2012 से लेकर के 2020 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज खत्म हो जाएगा। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, टेस्ट को पूरा देना है। हम आपसे एक लास्ट में मैथ का क्वेश्चन पूछेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिम कार नेशनल पार्क जो होता है वो आपका उत्तराखंड में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में होता है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो होता है आपका बिहार राज्य में होता है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है, और कान्हा नेशनल पार्क जो होता है वो आपका एमपी में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गरबा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो गरबा जो होता है वो आपका गुजरात का एक लोक नृत्य होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रासलीला कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो रासलीला जो होता है वो आपका यूपी का होता है, और घूमर एक लोक नृत्य है जो कि आपका राजस्थान का होता है, और राउफ जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर का होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो नापने वाला यंत्र होता है वो आपका हाइग्रोमीटर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दूध की शुद्धता किससे नापा जाता है, तो दूध की शुद्धता जो नापा जाता है वो आपका लैक्टोमीटर से नापा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सेवन हिल्स, यानी कि सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो सात पहाड़ियों का नगर जो कहा जाता है वो आपका रोम को कहा जाता है, क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का जन्नत किसे कहा जाता है, तो विश्व का जन्नत जो कहा जाता है वो आपका पेरिस को कहा जाता है, और उगते सूर्य का देश जो कहा जाता है वो आपका जापान को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द फेमस कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड, यानी कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित होता है, आपको बताना है जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर जो होता है वो आपका असम राज्य में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और वैष्णो देवी टेम्पल जो होता है वो आपका जम्मू और कश्मीर में होता है, और देखिए यहाँ पर कोणार्क मंदिर जो होता है वो आपका उड़ीसा में होता है, और मध्य प्रदेश में जो होता है आपका खुजराहो का टेम्पल होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि हु इज हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार जो होता है वो आपका परमवीर चक्र होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। भारत में सबसे पहले जो मिला था वो परमवीर चक्र मेजर शोभना शर्मा को मिला था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे सात नंबर क्वेश्चन को। सात नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि चांद पर पहली बार उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति जो थे वो आपका नील आर्मस्ट्रांग थे। कहां के थे, तो आपका अमेरिकी यात्री थे। कब चला था, तो इन्होंने 1969 में अपना कदम रखा था, इसको भी ध्यान रखना है। और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो आपका राकेश शर्मा थे, और विश्व में प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो आपका मेजर यूरी गैगरिन थे, इसको भी ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका मुंबई में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और इंडिया गेट जो होता है आपका दिल्ली में स्थित होता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स लोकसभा इलेक्शन आर द हेल्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद करवाया जाता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो भारत में लोकसभा चुनाव जो लड़ा जाता है वो आपका 5 वर्षों के अंतराल पर लड़ा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड, यानी कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत
भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो कहा जाता है वो आपका राज्यसभा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और निम्न सदन जो कहा जाता है यानी कि लोएस्ट हाउस जो कहा जाता है वो आपका लोकसभा को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज जो होना चाहिए वो आपका 25 वर्ष का होना चाहिए, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज जो होना चाहिए वो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। इसको भी ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक पर्ल, यानी कि निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है वो आपका जाना जाता है पेले को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो होता है वो आपका दुबई में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच टू कंट्रीज आर मैकमोहन रेखा लोकेटेड बिटवीन, यानी कि देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मैकमोहन रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो मैकमोहन रेखा जो होता है वो आपका भारत और चाइना के बीच में होता है, और रेड क्लिफ जो होता है वो आपका भारत और पाकिस्तान देश के बीच में होता है। इसको भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज फेमस एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जो होती है वो आपका सरोजनी नायडू होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच रूलर बिल्ट द ताजमहल, यानी कि ताजमहल किस शासक ने बनवाया था। आपको बताना है, क्वेश्चन काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ताजमहल जो बनवाया गया था वो आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हरिद्वार सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि हरिद्वार जो होता है वो किस नदी के किनार पर स्थित होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हरिद्वार जो होता है वो आपका गंगा नदी के तट पर, यानी कि गंगा नदी के किनार पर स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और कोलकाता जो होता है वो आपका हुगली नदी के किनार पर स्थित होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ प्लेसेस, यानी कि महलों का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, यानी कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। आपको बताना है, तो महलों का शहर जो कहा जाता है वो आपका कोलकाता को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और सोया प्रदेश के नाम से जो जाना जाता है वो आपका मध्य प्रदेश को जाना जाता है, और अंतरिक्ष शहर के नाम से जाना जाता है वो आपका बेंगलुरु को जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। अभी तक आपने एक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। आपने फिर सपोर्ट कम कर दिया, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाकर के जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। हम आपको कंप्लीट इंडियन आर्मी की तैयारी करवाएंगे। कुछ दिन में आपका मैथ का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो जल्द ही मैथ का भी एकदम न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो बस आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और जल्दी से जाकर के वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क, यानी कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो सार्क का मुख्यालय जो होता है वो आपका काठमांडू में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। देखिए सार्क का जो स्थापना हुआ था वो आपका 8 दिसंबर 1885 को हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो होता है वो आपका लोटस, यानी कि कमल होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो होता है वो मेरे दोस्त वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और एफिल टावर जो होता है वो आपका पेरिस में होता है, इसको ध्यान में रखना है। और बिग बैन जो होता है आपका लंदन में स्थित होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो होता है आपका इंडिया के अहमदाबाद शहर में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा। हम मैंने आप लोगों से पूछा है कि 18 वस्तुओं का क्रैमूल जो होता है वो आपका 15 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर, कमेंट करके बताना है और कमेंट में साथ साथ जय हिंद जय भारत का नारा भी लगा देना। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज यार एक एक लाइक करते हुए चले जाना और कमेंट में अपना स्कोर और प्लस में आपका जो इसका राइट आंसर मैथ का है वो कर देना और जय हिंद जय भारत का नारा लगा देना। और वीडियो को कम से कम यार एक या दो दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको
हमसे हर रोज पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।